गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सुबह के 7 बज चुकी है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद ही मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, यानी कि घर में जो भी साफ सफाई का काम होता है सुबह में वो मैंने सब कर लिया है। बस अभी डेकोरेशन का काम बाकी है और उससे पहले और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे, काफी सारे काम खत्म करने हैं। तो अभी मैं सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, बच्चे अभी फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो इतना वो होंगे, इतना मैं नाश्ता बना लूंगी। वैसे मैं नाश्ते में आज इडली बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज बच्चों ने डिमांड की थी, उनका इडली खाने का मन है, तो मैं इडली बनाने के लिए जा रही हूँ। और कितना अच्छा लगता है ना, वैसे सुबह सुबह में अगर आपकी साफ सफाई हो जाए तो पूरा दिन आप फ्री माइंड हो जाते हैं कि हाँ हमें झाड़ू पोछा भी एटलीस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है करने में और एक टेंशन भी रहती है। तो सुबह उठने मेरा जो मेन काम होता है सबसे पहले वो यही होता है कि मैं झाड़ू पोछा सुबह सुबह कर लूँ, क्योंकि उसके बाद काफी सारे काम हो जाते हैं। तो अभी बस मैं नाश्ता करूंगी, उसके बाद बच्चों को रेडी करूंगी तैयार होकर। मुझे अपनी इन-लॉज के यहाँ भी जाना है क्योंकि हम हर साल यहाँ पर दीपावली पर मेरे जो इन-लॉज है वो पूजा रखते हैं और हमारे यहाँ पर पूजा होती है ससुराल में दीपावली की, तो बस वहीं पर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं निकलूंगी और तो चलिए फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ और जो भी डेकोरेशन करूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ व्लॉग के एंड तक। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलेगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इडली का बैटर, आप देख सकते हैं MTR का ये वाला बैटर लेके आई हूँ और ये रेडीमेड बैटर होता है। इसके साथ मुझे एक फ्री कंटेनर भी मिला है, एक फ्री जार मिला है। तो चलिए फिर मैं इडली की तैयारी कर लेती हूँ और इडली बनाती हूँ। तो मुझे जो दही होती है ना उसमें इडली बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट भी आता है और क्विकली बन जाता है ये नाश्ता, बहुत ही ईजी होता है बनाना और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं इसे। वैसे तो आप इसमें पानी भी डालकर भी बना सकते हैं बट मुझे दही में पसंद है तो मैं इसलिए मैं दही में इसे तैयार कर रही हूँ बैटर को। और यहाँ पर मैं इसे माइक्रोवेव कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए इडली तैयार हो चुकी है और अब हम नाश्ता करेंगे। बाय द वे अभी आप देखेंगे कि मैंने अपने बच्चों को एक दिवाली का गिफ्ट दिया दोनों को, तो उन्हें कैसा लगता है तो चलिए देख लेते हैं उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं इस गिफ्ट को देखने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं अरमान को उठा रही थी और अरमान को मैंने उठाकर दोनों बच्चों को ये गिफ्ट दिया है और दोनों बच्चों को वैसे गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत खुश थे दोनों। वेलकम। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और नहा भी चुके हैं, हम सभी तैयार हो चुके हैं। बस मैंने अभी थोड़ा सा मेकअप कर रहे हैं और चूड़ियाँ वगैरह डालनी हैं। तो मैं अभी अपनी सासू माँ के पास जा रही हूँ पूजा वगैरह के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो वहां से आने के बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी सासू मोम के घर और अभी मैं जाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी सासू माँ के पास से। तो मैंने अभी यहाँ पर सारा सजावट का जो भी सामान है ये देखिए निकाल लिया है और ये देखिए दिए वगैरह भी मैंने निकाल कर रख लिए हैं, जो भी सब दिए थे तो वो मैंने निकाल कर रख लिए हैं। बस अभी मैं सजावट करने जा रही हूँ, दोपहर के 3 बज रही है और काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था तो मैं इसलिए आपसे काफ़ी टाइम बाद मिल रही हूँ। और बस अभी यहाँ पर मैं स्पेस खाली कर देती हूँ जो भी ड्राइंग रूम में था, और अपने लिविंग एरिया में मैं हर साल यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साल मैं हमेशा यहीं पर ही रंगोली वगैरह बनाती हूँ। तो अभी मैं यहीं पर रंगोली की तैयारी करूंगी तो आपको भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसी रंगोली बनाई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी रंगोली कैसी लगी। वैसे बच्चों ने भी आज मेरी काफी हेल्प की है और हमेशा आप जानते ही हैं कि मेरे बच्चे मेरी हर चीज में मतलब हेल्प कर ही देते हैं, छोटे मोटे कामों में भी हेल्प कर ही देते हैं और बस इतना कर देते हैं मेरे लिए काफी है और काफी खुशी भी मिलती है जब वो मेरी इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो चलिए फिर मैं रंगोली बना लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी और जो भी डेकोरेशन करूंगी वो भी जरूर देखना। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, कितनी शरारत कर रहे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ पर मैं अभी कर रही हूँ पेंट, ये मैं दियो को पेंट कर रही हूँ यहाँ पर,
पेंटिंग कलर से, तो मुझे हर साल ये सब कुछ करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद ही इसे डेकोरेट कर लेती हूँ दियों को। तो इतना ही सूखेंगे, इतना मैं अपनी रंगोली तैयार कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और दोनों बच्चे भी हेल्प करा रहे हैं, आप देख ही रही हैं कि मैंने रंगोली बना ली है अब यहाँ पर बस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिष्टी अपनी रंगोली बना रही है अलग से, ये बाहर बरामदे में रंगोली तैयार कर रही है। तो ये देखिए क्यूट सी रंगोली बनाई है मिष्टी ने, ये मोर बनाया है। तो रंगोली तो आप देख चुके हैं कि मैं बना चुकी हूँ, और रंगोली मैंने बना ली है। तो अभी मैं, आप देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम क्लीन नज़र आ रही होगी आपको, काफ़ी जो डार्क स्पॉट थे वो भी लाइट हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज़ की बदौलत मैं बता देती हूँ, वो चीज़ कौन सी है। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे हाथ में ये विटामिन सी सीरम है, इसका रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी, मुझे इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे लगे हैं। इससे पहले भी मैंने एक सीरम अप्लाई किया था, तो उसका रिव्यू भी बहुत जल्द शेयर करूंगी, और अभी कुछ दिनों से मैं इस सीरम को अप्लाई कर रही हूँ, इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, और इसके रिव्यू बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैं दिए जला रही हूँ, और राज भी मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। हैप्पी दिवाली। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और हम सभी रेडी हो चुके हैं, बस अभी मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ, और उससे पहले मैं क्विकली आपको अपनी जो डेकोरेशन मैंने की है वो दिखा देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसी डेकोरेशन की है। तो ये देखिए, ये कुछ मैंने डेकोरेशन की है सभी चीज़ों की, और सभी ने मेरी बहुत हेल्प की है इसमें। तो ये है रंगोली जो कि फाइनल आप रिज़ल्ट देख रहे हैं रंगोली का, कितना अच्छा आया है और कितनी अच्छी रंगोली बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस कि आपको मेरी ये रंगोली कैसी लगी है। ये अरमान ने बनाया था दिया, और ऊपर स्वास्तिक भी अरमान ने बनाया, और ये वाला स्वास्तिक और ओम मिष्टी ने बनाया है। मैंने जहाँ जहाँ भी दिए रखने थे मैं रख चुकी हूँ, ये देखिए सीढ़ियों में भी मैंने दिए रख दिए, सब जगह अच्छे से डेकोरेशन कर ली है, और कितनी अच्छी लगती है ना गाइस ये लाइट्स वगैरह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सभी को ऑफकोर्स पसंद होता है दिवाली का त्यौहार, और दिवाली तो है ही रोशनी का त्यौहार।
घर के बाहर का व्यू है ये मेरे, इस तरीके से लाइटनिंग दिख रही है आपको। और ये कुछ गाइस मैं पटाखे भी लेकर आई थी, तो राज और मैं ही लेकर आए थे पटाखे, बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे तो बस ये कुछ पटाखे लेकर आई थी। और बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहिए अगर आप कोई भी इस तरह की आतिशबाजी करते हैं तो बच्चों के साथ हम पूरा टाइम दें, आप देखेंगे आगे। तो अभी मैं कर रही हूँ लक्ष्मी पूजन, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं ये देखिए पटाखे जला रहे हैं। ये पहले हम फुलझड़ी जला रहे थे, यहाँ पर मैं हूँ, ये आप देख सकते हैं। आजा बस हो गया, और बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर गोवर्धन पूजा और भाई दूज व्लॉग भी शेयर करूंगी कि हम किस तरीके से गांव में पूजा करते हैं, किस तरह से गोवर्धन पूजा की जाती है गांव में, तो वो भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर शेयर करूंगी गाइस। सो गाइस मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूं। अगर आपको मेरा ये दिवाली व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे,
और आप सभी को हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।